अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लेके हैं इन्फिनिक्स का नोट 40। 8 GB रैम और 8 एक्सपेंडेबल रैम है और 256 GB मेमोरी में आया है। तो इसका आज हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी आपको लुक चेक करवाता हूँ कि कितनी औसम है। और इसमें जो फ्यूचर डाला है ना, बैक कैमरे को जो लाइट चेंजर है, वो तो बहुत ही कमाल का है कि आपको इतना कूल और मजे का फील करवाता है कि क्या ही बात है। सबसे पहले इसकी लुक चेक करें। बैक पे ट्रिपल कैमरा है और एक रिंग लाइट है जो कि कलर चेंजिंग वाली है। और कड़ा इसका बहुत ही प्यारा लगाया हुआ है और JBL का इसमें म्यूजिक है। नीचे इसके सिम ट्रे है, साथ माइक है और टाइप सी चार्जिंग है, और साथ में इसका स्पीकर है। और फिर एक स्पीकर ऊपर है इसका, ये ऊपर ऊपर वाली साइड पे। साइड पे बटन है वॉल्यूम अप डाउन और पावर का बटन। तो सबसे पहले इसमें जो रैम और मेमोरी है ना, वो बहुत ही अच्छी लगाई हुई है। और जो प्रोसेसर है G99 का, इसमें प्रोसेसर डाला हुआ है और 108 MP का बैक कैमरा है, ठीक है। और G99 का प्रोसेसर जो आपको गेमिंग में आपको 60 FPS सपोर्ट करवाएगा, वो भी हम आपको टेस्ट करवाने वाले हैं। और 8 की जो रैम है ना, जो एक्सपेंडेबल रैम है, वो होती तो 8 है, आप इसको एक्सपेंड करके 5 भी कर सकते हैं, 5 एक्सपेंड कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और 5000 mAh बैटरी है जो आपको ये इसमें सुपर फास्ट चार्जर दिया हुआ है 45 वाट का। मैं आपको इसका चार्जर चेक करवाता हूँ। 45 वाट का इसका सुपर फास्ट चार्जिंग है जो 26 मिनट में 50% बैटरी चार्ज करता है, मतलब के 100% होगी 52 मिनट में, 52 मिनट में ये आपको फुल चार्ज करके देगा। इसमें साथ एक ये ग्लास प्रोटेक्टर है, वारंटी कार्ड है, इसका अपना ग्लास है, सिम स्लॉट है, सिम इंजेक्टर है, और साथ में इन्होंने पोच दिया हुआ है। साथ में इसका जो वायरलेस चार्जिंग करने के लिए ना, वो भी पोर्ट बनी हुई है। और ये रहा इसका चार्जर जो 45 वाट का सुपर फास्ट चार्जर है और टाइप सी इसमें केबल आती है। पहले इसका मैं आपको कैमरा टेस्ट करवा के दिखाता हूँ जो 108 MP लगे, क्या इसका फ्यूचर है। लगे क्या ये देखें हम, ये 1x और 3x पे भी सपोर्ट करवाता है, और ये 1x और 3x पे वीडियो भी शूट करता है। जैसे आईफोन में सेंटिमेंटिक के जरिए वीडियो शूट होती है ना, ये इसके वीडियो है 3x, ये इसका 1x है, और ये इसका जूम हो गया जी 10x जूम है। अभी जो टेक्कोइंस वाले कैमरे होते हैं ना, ये इनमें इम्प्रूवमेंट तो आ रही है, लेकिन इतनी खास इम्प्रूवमेंट नहीं जो कि आईफोन में और दूसरे गूगल पिक्सल और वन प्लस के मोबाइलों में होती है। लेकिन अभी भी ये कलर छोड़ते तो हैं, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इनकी इम्प्रूवमेंट आ गई कि कलर इनके पकड़ते हैं, कि वीडियो शूट करते हुए ये हिलते हुए इनको कलर फैल रहे होते हैं, कभी अप में कभी डाउन डाउन में जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वीडियो क्वालिटी काफ़ी ना इसकी स्मूथ और अच्छी बना रही है। और सबसे जो इसकी जो अच्छी बात है ना, वो इसका डिज़ाइन है। एज में नहीं है, लेकिन जो एज का जो प्रो है ना, वो तो एज में है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है इसका, ये भी काफ़ी प्यारा है। और इसमें ट्रिपल कैमरा है, और ये जो कैमरा है ना, ये कैमरे के साथ लगा हुआ है, ये सेंसर है, ये लाइट चेंजिंग करता है। आप इसको अपनी मर्जी से भी इसे कलर चेंज करवा सकते हैं, रेड ब्लू वाइट। और इसकी रेजोल्यूशन है 120Hz इसकी रेजोल्यूशन है, और गेमिंग में आपको ये 40 FPS सपोर्ट करवाता है। और प्राइस इसकी अभी जो हाल ही में जुलाई में प्राइस काफी ज्यादा ना अप डाउन अप करो अप हो चुकी है, तो अभी ये प्राइस अप होने के साथ साथ इसकी प्राइस हो गई है 58। लेकिन अभी जो हमारे पास ये वाला पीस है, सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग की, अभी सिम नहीं लगाई हुई, एक्टिवेट नहीं किया हुआ, तो अगर किसी को चाहिए तो ये हमारे पास अवेलेबल है, ये हम सिर्फ और सिर्फ दे देंगे 53,000 में। इसका जो डिजाइन है, अभी जो लेटेस्ट मॉडल जितने भी आ रहे हैं, सबसे औसम वाला मुझे डिजाइन इसका लगा जो नोट 40 प्रो का भी, उससे भी कहीं ज्यादा बेस्ट है। नोट 30 का भी डिजाइन अच्छा था, ये नोट 30 भी आया हुआ है, ये नोट 30 के बाद वाला ये नोट 40 डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कलर में इन्होंने चेंजिंग की है। नोट 30 से काफी ज्यादा ये बेस्ट बनाया हुआ है। तो बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मुझे लगा है, तो यूजेबल भी अभी अच्छा है, और रिजनेबल प्राइस है 58,000। और अभी जो प्राइस अप होनी है, उम्मीद है कि हुकूमत इन पे और पहाड़ गिराएगी। और ये जो वीडियो शूट है, ये वीडियो शूट 30 FPS पे वीडियो शूट करता है, और फ्रंट कैमरा भी 30 FPS पे शूट करता है, सपोर्ट करवाता है। और 5000 mAh बैटरी है जो कि आपको 2 से 3 डे का बैटरी बैकअप दे देती है। और ये वायरलेस चार्जिंग है, 20 वाट पे ये वायरलेस चार्जिंग करता है, और इनपुट और आउटपुट भी है, 45 वाट लेता है, और 20 वाट ये ना वायरलेस, आप इससे कोई और मोबाइल भी चार्ज करना हो तो वो भी चार्ज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।